पिछले 25 साल से, उनको छोड़ के सीएस लगा लो, सीएस हम सबका आस्था का पर्व है, आस्था का केंद्र है, हम सब पूरा विश्व चाहता है कि सीएस हमारा अच्छा सा हो। ये 1200 मकान छोड़ के भी सीएस लगाया जा सकता है, इतनी सी जगह आप छोड़ दो, बने बनाए मकान है, ये गरीब नहीं अति गरीब लोग है, डबल से मकान नहीं बना पाएंगे, रोज कुआ खोदते हैं और रोज पानी पीते हैं। जिला प्रशासन से हमने आज आग्रह किया है, अगर ये नहीं माने तो हम उग्र आंदोलन करेंगे। यहाँ पे क्या क्या संदेश दिया गया आपको जी? यहाँ पे जो दी गई जानकारी, इन्होंने कहा कि हम भौतिक सत्यापन करा लेते, हमने इनको बोला कि आप भौतिक सत्यापन करा लीजिए, इन जगह पे आप सीएस लगने की कोई स्थिति नहीं, वहाँ पे कोई टेंट लग सकता है किसी गुरु महाराज का या कोई पार्किंग लग सकती है, पर उसके लिए और ज्यादा अगर 500 बीघा जमीन अधिकृत करी तो 1000 बीघा जमीन अधिकृत करें, ताकि जिससे हमारा सीएस बहुत अच्छे से लग सके। मैंने बनाया मकान तोड़ने का क्या औचित्य, यूं तो एक तरफ आप 2.5 लाख रुपए देने की बात करते हो। आपने ज्ञापन सौंपा, किनको सौंपा ज्ञापन? जिला प्रशासन में हमने जिला कलेक्टर साहब ने SDM साहब को ज्ञापन दिया। आपका नाम बताइए? मेरा नाम विवेक यादव। कितने मकान है वहाँ पर ऐसे? टोटल तीनों कॉलोनियों, चारों कॉलोनियों को मिला के लगभग 1300 से 1500, वो छोटे छोटे हैं, 10x30, 20x30, ऐसा कोई 1500 या 2000, 3000 इसके बिट के मकान नहीं है, सब छोटे छोटे मकान हैं, मतलब एक मकान में तीन मकान है। अब गरीब लोगों को क्या है? ठीक है, आपका नाम बताइए। विवेक यादव। गरीब लोग हैं उसको आत्मघात चलाओ कोई चारा नहीं, उग्र आंदोलन हो। ये थोड़ा समझ में दो तीन इधर आ जाओ। हाँ आ जाओ इधर, दो तीन इधर आ जाओ, दो तीन इधर महिलाओं को आजान दो तीन इधर आ जाओ। हाँ एक आप इधर बोलना है, अक्षर तुम्हें बोलना। हाँ बस जो अपना काम वो बोल रहे हैं, ये बना रहे हैं आप पकड़ लो। आराम से आराम से दूर हो जाओ, थोड़ा दूर हो जाओ। एक मिनट पूछेंगे रोल। सर मेरा नाम परवीन है, पहली बात तो ये कि सिंगल भूमि जमीन हमें चाहिए, वो तो हमारा एक मुख्य कारण है। उसके अलावा आप इतना समझ सकते हो कि कोई भी सरकारी जमीन पे कब्जा नहीं कर सकता, हमने कुछ